और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी परिसर को लेकर जो विवाद छिड़ा है उसका पूरा इतिहास क्या है और किस पक्ष की तरफ से क्या दावा किया जाता है। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर छिड़ा संग्राम नया नहीं है। हिंदू पक्ष की ओर से दावा किया जाता है विवादित ढांचे के फर्श के नीचे 100 फीट ऊंचा आदि विश्वेश्वर का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग स्थापित है। यही नहीं, दावा यह भी किया जाता है कि विवादित ढांचे की दीवारों पर देवी देवताओं के चित्र भी प्रदर्शित हैं। जो भी विवाद की स्थिति है इसको सही संदर्भों में हम देखें तो 1935-36 पे यूपी हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट और उसके बाद तब सुप्रीम कोर्ट भारत में नहीं लंदन में होती थी, तो लंदन प्रोविंसेज कोर्ट ऑफ इंडिया का फैसला 1940 में आया है, ये मुकदमा डिस्पोज ऑफ हुआ है। तो इस मुकदमे के संदर्भ में साफ है कि ये मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी है, इसमें मेंटेनेंस का कोई काम नहीं हो सकता और ये ढांचा ध्वस्त हो जाएगा। दावा किया जाता है कि मंदिर का निर्माण लगभग 250 साल पहले महाराजा विक्रमादित्य ने करवाया था। यहाँ पर लोग पूजा करते थे। विवादित स्थल के भूतल में तहखाना और मस्जिद के गुंबद के पीछे प्राचीन मंदिर की दीवार है। ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर विशालकाय नंदी है जिसका मुख मस्जिद की ओर है। इसके अलावा मस्जिद की दीवारों पर नक्काशियों से देवी देवताओं के चित्र उकेरे गए हैं। ये सब दावे हैं। औरंगजेब के द्वारा तोड़े जाने के बाद महानिर्वाणीय अखाड़े के नागा सन्यासियों ने जीत करके इसे सोमनाथ व्यास परिवार को गिफ्ट में समर्पित किया था। उसका ताम्र पत्र आज भी विद्यमान है और इस पर डॉक्यूमेंट्री हु वाज नागाज कि वो नागा कौन थे, इस पर पूरी डॉक्यूमेंट्री है। इसे हमें देखना चाहिए तो इतिहास का सही आकलन हम कर सकते। कहा जाता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर को औरंगजेब ने 1664 में नष्ट कर दिया था और इसके अवशेषों का इस्तेमाल मस्जिद बनाने के लिए किया, जिसे मंदिर की भूमि के एक हिस्से पर ज्ञानवापी मस्जिद के रूप में माना जाता है। मुस्लिम आक्रमण हुआ, जब 1194 में मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया तो उसने इस्लाम का क्रूर चेहरा दिखाया और इस्लामिक आतंकवाद का पहला चरण काशी पर पड़ा 1194 में, जहां पर उसने 500 से अधिक मंदिरों को तोड़ने का आदेश दे दिया। और मंदिर ही नहीं तोड़ा, उस समय मंदिरों को तोड़ करके यहां से जो मंदिरों में धन दौलत चढ़ाए जाते थे, जो सोना चांदी चढ़ाए जाते थे, 1400 ऊंट पर लाद करके वो लेकर के गया। वहीं ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाली संस्था अंजुमन इंतजामिया कमेटी और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का मानना है कि मस्जिद यहां अनंत काल से कायम है। हमारा एक सर्वे का स्टे ऑलरेडी चल रहा है, एक सर्वे पे वो 31 मई तक है कि सर्वे नहीं हो सकता, चलिए वो भी अपनी जगह पे है, लेकिन हमारा सिर्फ इतना कहना है कि हम बैरिकेटिंग के अंदर मस्जिद के अंदर नहीं जाने देंगे किसी को, वहाँ सिर्फ सुरक्षा कर्मी और मुसलमान जा सकते हैं, वही जाएंगे। यही वो पेचीदगी है जिसके चलते ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कानूनी जंग लड़ी जा रही है। काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी केस में 1991 में वाराणसी कोर्ट में मुकदमा दाखिल हुआ था। याचिका में ज्ञानवापी परिसर में पूजा की अनुमति मांगी गई। प्राचीन मूर्ति स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर की ओर से सोमनाथ व्यास, रामरंग शर्मा और हरिहर पांडे बतौर वादी इसमें शामिल हैं। मुकदमा दाखिल होने के कुछ महीनों बाद केंद्र ने पूजा स्थल कानून बना दिया। इसी कानून का हवाला देकर मस्जिद कमेटी ने याचिका को हाईकोर्ट में चुनौती दी। 1993 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टे लगाकर यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया था। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि किसी भी मामले में स्टे ऑर्डर की वैधता केवल 6 महीने के लिए होगी, उसके बाद ऑर्डर प्रभावी नहीं रहेगा। इसी आदेश के बाद 2019 में वाराणसी कोर्ट में फिर से इस मामले की सुनवाई शुरू हुई। अब देखना यह होगा कि आखिर काशी का यह धर्म युद्ध कब खत्म होगा। एबीपी गंगा के लिए वाराणसी से नीतीश कुमार पांडे की रिपोर्ट।